जैसे आप कहते हैं कि होशपूर्वक रहकर खुद को देखो, या जो दिनचर्या में जो तुम कर रहे हो उसको देखो। जैसे अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा था, या यूजुअली भी मैं खुद को देखने की कोशिश करता हूँ, तो वही जो सोच है उसी में उलझ के रह जाता हूँ। लाइक कंक्लूजन में ड्रॉ भी करूँगा, एट द एंड अल्टीमेट कंक्लूजन ये होता है कि थॉट्स आर थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ, सो दे के नॉट बी राइट एनी हाउ। तो एनी हाउ जो मैं देखना चाह रहा था दैट गेट्स मिस्ड आउट। तुम तब भी देखो। तो देखो कैसे, देखता हूँ तो लगता है कि सोच ही रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ। तुम्हारी तकलीफ अभी ये हो रही है कि निष्कर्ष क्या निकालो। तुमने देखने को निष्कर्ष निकालने से जोड़ दिया है। तुम कहते हो जो दिख रहा है उसका अर्थ क्या है, जो दिख रहा है उसका आशय क्या है। इसीलिए तो तुमने इतनी विद्वत्ता वाली बात की कि जब मैं देख रहा हूँ तो थॉट्स आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। अगर वास्तव में देख रहे होते तो इतना विचारने का समय कहाँ से मिल जाता। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास ये अवकाश कहाँ है कि मैं सोचूं कि विचार स्वयं को ही तो विचार रहे हैं। सुनने में बड़ी ऊंची बात लगती है पर जीवन के संदर्भ में बड़ी ओछी बात है। ओछी इसलिए है कि तुमने तब ये ऊंचा विचार सोच लिया जब तुम्हें देखना था, जब ध्यानमग्न होना था, तब तुमने बड़े ऊंचे दर्शन की बात सोच मारी। जब देख रहे हो तो ये विचार आया कहां से? इसका मतलब देख ही नहीं रहे थे। जो देखता हो उससे पूछोगे ना क्या देखा तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखने में इतनी तीव्रता होती है और देखना इतना डुबा देता है तुमको कि क्या देखा उसको स्मृति पर अंकित कर पाने का कोई अवकाश तुम्हारे पास नहीं रह जाता। जब देखने में पूर्णता नहीं होती तब तुम आधा देखते हो और आधा लिख लेते हो। कुछ देखा फिर उसके विषय में सोच लिया, जब सोच लिया तो उस स्मृति पर अंकित हो गया। अब कोई पूछेगा तो बता पाओगे क्या देखा, अब कोई पूछेगा तो बता पाओगे क्या देखा। लेकिन जो मात्र देख रहा है वो तो देखने में ही इतना रत है कि बताएगा कैसे कि क्या देखा, क्योंकि बताने में तो देखना थम जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि यहां भी जब रहो तो न याद करने की कोशिश करो, न निर्णय करने की कोशिश करो, न तुलना की, न निष्कर्ष की कोशिश करो। मन को बड़ा बेवकूफ होने से प्रतीत होता है कि यहां से बाहर निकले और किसी ने पूछा मिला क्या और कुछ बताने को ना रहे, तो मन इसीलिए कोशिश क्या करता है, याद कर लो भाई ये दो चार बातें मिल गई, 2 घंटे व्यर्थ नहीं गए। टेक अवेज, बर्गर है, पिज्जा है, क्या है, टेक अवे, बांटने के लिए, जताने के लिए कि हम कुछ पाके आए हैं। आप यहां ज्ञान इकट्ठा करने नहीं आए हैं। हाँ, आप यहां कुछ करने नहीं आए हैं। टाइम पास, ये ठीक है बिल्कुल। बाकी बातों से बेहतर तो यही बात है कि टाइम पास करने आए हैं, कुछ और नहीं है, उससे अच्छा यही है। समय खराब करने आए हैं, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि समय का सदुपयोग हुआ, सार्थक हुआ, वो तो सारी वो चीजें होती हैं जिनमें हमें कुछ मिलता है। अब यहाँ आप लेने तो नहीं आए हैं, और अगर यहाँ से लेके चले जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ कर देंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ तो बस समय बीत जाए। मजे की बात यह है कि यहाँ जो समय बीतेगा उसका बीतना
पता नहीं लगेगा, क्योंकि समय भी अपना एहसास तभी कराता है जब आप डूबे हुए ना हो, जब मन समूचा आप्लावित हो, तो समय की सुध कौन रखता है? ये जीने का नया तरीका है, हम इससे वाकिफ नहीं है। हम जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं वो मुनाफे के लिए करते हैं। आप यहां भी आते हैं तो सोचते हैं कुछ मुनाफा हो जाएगा, तो ये बात बड़ी अखरती है, बड़ा बेचैन करती है, खुजली सी होती है कि मुझे मिल क्या रहा है। और मेरे लिए भी बड़ा आसान हो अगर मैं आपको कुछ भरोसा दिला दूं कि ये मिल जाएगा या मैं दे दूंगा, और बड़ा गलत हो जाएगा। तो कोई एंड होना चाहिए, और वो एंड मुझसे बाहर का है, और ये कक्ष मींस बन गया। शांति पानी थी उसके लिए ये जगह एक जरिया बन गई, मींस बन गई। कोई लक्ष्य नहीं है और कोई सड़क नहीं है जो उस लक्ष्य तक ले जाती हो, कोई साध्य नहीं है और कोई साधन नहीं है जो उस साध्य को आप तक ला दे। जो है सो यही है, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। निष्प्रयोजन बैठिए, निष्प्रयोजन समझते हैं, बेमतलब, निरुद्देश्य। ये हमें आता नहीं, आधे घंटे भी घर में बिना कुछ किए बैठ जाते हैं तो लगता है समय खोटा हो गया। बच्चों को अपने डांटते हैं, करा क्या पिछले आधे घंटे में, एक साल खराब कर दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो भी कुछ करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से समय बचाने की विधि होती है। ट्रेन नहीं, प्लेन का टिकट ले लो, ऑटोमेटेड सिस्टम्स कुछ घर में लगा दो। मैं उसमें कोई बुराई नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इशारा दिखा रहा हूँ कि देखिए हम कर क्या रहे होते हैं हर समय। ये हमारे जीवन के तथ्य हैं, सामने सामने के बिल्कुल। Shortcuts.